दोस्तों सबसे पहले हमें क्रॉप टूल लेना है पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए, और ऊपर आप अपना साइज डालेंगे यहाँ पे। विद में मैं 1.3 इंच रखता हूँ और हाइट में 1.5 इंच, और रेजोल्यूशन 300 रखता हूँ। हमें करना क्या है, फोटो को यहाँ से बड़ा कर लेना इस प्रकार से, और क्रॉप करना है इस तरह से। पहले हमें फोटो को क्रॉप करना है और कीबोर्ड के एरो बटन से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल ब्रैकेट से इस तरह से सेट करेंगे और कंट्रोल प्लस से बड़ा करेंगे, कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाएगा फोटो। अब हमें करना क्या है, एक बार शिफ्ट और कंट्रोल दबा के एल प्रेस करना है। अगर ऑटो कलर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर आपके इस तरह से ऑटो कलर नहीं आते हैं तो उसको बैक करेंगे कंट्रोल ऑल्ट और जेड से। यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट पे आएंगे, यहाँ से ब्राइटनेस पे आएंगे, यहाँ से हम कंट्रास्ट करेंगे इस प्रकार से और ब्राइटनेस इस तरह से रखेंगे और ओके कर देंगे। अब सबसे पहले हमारा काम है बैकग्राउंड को चेंज करना। मैजिक टूल लेंगे, शॉर्टकट की W है कीबोर्ड से, और यहाँ से मैजिक टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एक बार। अब देखिए एक बार में पूरी बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं हुई है, तो हमें शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड से, शिफ्ट दबा के फिर से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारी पूरी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर ड्रेस पे इस प्रकार से आ जाए, आपकी ड्रेस पे इस तरह से सिलेक्शन आ जाए, तो आपको लेसो टूल लेना है और कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा के रखना है और इस तरह से हमें सिलेक्शन बनाना है अंदर की तरफ। तो ये सिलेक्शन हट जाएगा यहाँ से जो ड्रेस पे आया हुआ है, इस प्रकार से हम ऑल्ट दबा के और इस तरह से हटा सकते हैं अगर ड्रेस पे सिलेक्शन आ जाता है। और ड्रेस से बाहर चला जाता है तो आप शिफ्ट दबाएंगे, और अंदर की तरफ आता है तो ऑल्ट दबाएंगे। इस तरह से ये हमारा सिलेक्शन बन चुका है। और अब हमें सेलेक्ट में जाके फैदर पे जाना है। इमेज हमारे पासपोर्ट साइज के, तो एक का फैदर रखेंगे, ओके करेंगे, और नीचे यहाँ पे जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे कलर पिकर से, और ओके करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। ऊपर से हेयर मैं इसके थोड़े से हटा देता हूँ इस प्रकार से, इस तरह से हमें हेयर को थोड़ा हटा देना है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देना। अब देखिए इसमें जो जैसे ये थोड़े बाल आगे आए हुए हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इसे रिमूव करने के लिए यहाँ से पेंच टूल लेंगे और इसको इस तरह से सेलेक्ट करके माउस से पकड़ के क्लीन एरिया पे रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं जो आगे अनचाहे बाल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये हट चुके हैं। थोड़ा निशान रह जाए तो आपको ब्रश टूल लेना है और ओपेसिटी को 30, फ्लो को 45 के आसपास रखना है, और क्लीन जगह से ऑल्ट दबा के कलर उठाएंगे माउस से क्लिक करके, और इस तरह से हमें पेंट कर देना, मिक्स कर देना इसको। अब देखिए कलर यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। हमें कंट्रोल एम करना है कर्व्स को ओपन, और इस तरह से कलर करेंगे, फोटो को लाइट करेंगे और इस तरह से फोटो को लाइट करेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, यहाँ से कलर करेक्शन लेंगे। आप किस तरह की कलर करेक्शन रखना चाहते हैं वो यहाँ से अपने अनुसार फोटो की सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल एल करके यहाँ से कलर बैलेंस बनाएंगे, यहाँ से लेवल्स बनाएंगे फोटो के कलर का। इस प्रकार से यहाँ से ब्लैकनेस हो जाएगी इस तरह से, और ओके कर देंगे। और यहाँ से हमें बर्न टूल लेके ओपेसिटी और एक्सपोजर को 50 रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से कलर करेंगे इसके, इस प्रकार से कलर कर लेंगे हेयर के। और फिल्टर में आके यहाँ से नॉइस पे आके जेपीजी पे आएंगे और ओके करेंगे, 10 का स्मूथनेस रख के ओके कर देना, और कंट्रोल ए करके एडिट पे आना है, स्ट्रोक पे आएंगे और यहाँ से चेक कलर लेंगे, कोई भी कलर रखेंगे ओके कर देंगे, पिक्सल 5 रखेंगे ओके करेंगे। अब देखिए ये हमारे पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो चुका है परफेक्टली, और इसे हमें 15 फोटो बनाने के लिए
मैं 5-7 के शीट पे 15 फोटो बना के दिखाता हूँ। मैं इसे एक क्लिक में भी बना सकता हूँ एक्शन के द्वारा, क्योंकि मैंने इसका एक्शन तैयार करके रखा हुआ है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और मैंने और इसे 5-7 पे किस तरह से हम तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन करेंगे, एक न्यू शीट लेंगे 5x7 की, ओके करेंगे। इमेज में आके रोटेट पे आके 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस से बड़ी कर लेंगे शीट को और कंट्रोल वी करेंगे, ये फोटो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और ऊपर लेके आएंगे माउस से और कंट्रोल जे करके कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे लाएंगे माउस से, फिर से कंट्रोल जे करेंगे कॉपी हो जाएगी, और फिर से कंट्रोल जे करेंगे एक कॉपी और हो जाएगी, और फिर से कंट्रोल जे करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी 5 फोटो यहाँ पे एक लाइन में तैयार हो चुकी है। अब हमें 4 बार कंट्रोल ई प्रेस करना है, कंट्रोल ई, 1, 2, 3, 4, ये 5 फोटो एक लेयर में आ जाएगी। और इसके बाद हमें कंट्रोल जे करना है और नीचे लेके आना है, फिर से कंट्रोल जे करेंगे फिर से नीचे लाएंगे। तो देखिए ये हमारे 15 फोटो एक शीट पे तैयार हो चुकी है पासपोर्ट साइज के। और इसे हमें अपने प्रिंटर से चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे लैब के द्वारा भी प्रिंट करवा सकते हैं। और वन क्लिक में कैसे होंगे देखिए, मैं आपको वन क्लिक में भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये फोटो है तो हमें इसको एक बार कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है, और मैंने फंक्शन की अपने कीबोर्ड में F5 को सिलेक्ट किया हुआ फंक्शन की। जैसे ही मैं F5 को प्रेस करूँगा तो ये 15 फोटो इस तरह से ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। तो हम इस एक्शन के जरिए भी बहुत ही आसानी से परफेक्टली तरीके से 15 पासपोर्ट फोटो तैयार कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे एक्शन से, जैसे मैं इसमें विंडो में जाके एक्शन ओपन करता हूँ, या ये मेरा एक्शन ओपन हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये 5x7 की शीट है। मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और फिर से देखिए यहाँ पे ये 5x7 का यहाँ पे शीट 15 फोटो है और यहाँ एक्शन है। इसको सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपने पासपोर्ट फोटो तैयार कर सकते हो। देखिए मैं प्ले पे क्लिक करके दिखाता हूँ, इस तरह से भी हम पासपोर्ट फोटो क्लिक करके तैयार कर सकते हैं क्लिक के जरिए। तो हम यहाँ पे 15 फोटो 3 तरीकों से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।